दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो मेक श्योर आप जो है एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको बाबा बर्फानी से मिलाने वाला हूं। सबसे पहले जान लेते हैं बाबा बर्फानी की हिस्ट्री। बाबा केदार की जय। हिमालय एक गुणातीत स्थल, साधना संयम और तपस्या की नगरी। यह भौतिक संसाधनों का प्रधान स्थल नहीं, यह त्याग की नगरी है, यह साधना की नगरी है। हिमालय की सात्विकता सभी के जीवन में आनंद प्रदान करने वाली है। ऐसी त्याग एवं तपस्या की भूमि में आने वाले सभी साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम धराधाम के सर्वोच्च शिखर पर जा रहे हैं, भौगोलिक नहीं आध्यात्मिक सर्वोच्च शिखर पर। ऐसे स्थल पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं और साधकों का सहृदय स्वागत इस परमात्मा की दैवी प्रकृति करती है, और आश्रम में भी सभी साधकों का केदारनाथ में सहृदय स्वागत है। जय श्री राम। श्री श्री 108 श्री महाराज ललित बाबा जो हैं, ये महान तपेश्वरी हैं। ये बाबा केदारनाथ का दो रूप माना जाता है। एक रूप जो है वो बाबा केदारनाथ जो है का, एक दूसरा रूप जो है बाबा ललित जो आए हुए मानव कल्याण करने के लिए हर व्यक्ति को अन्न जल पानी व्यवस्था, महात्माओं को रहने की व्यवस्था, ये सब बाबा ललित ने बाबा केदारनाथ के रूप में। गुरु जी तो महाने के सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी साधु हैं, सप्तऋषि मुनियों में हमें दिखते हैं। हमें एक ब्रह्मा भी दिखते हैं उन्हीं में, और महेश भी दिखते हैं, और नन्नारायण हरि भी दिखते हैं। गुरु जी का जो स्वभाव है एक बहुत कोमल स्वभाव है, ऐसा सिद्ध पुरुष देखने को नीचे तो नहीं मिलता है। और गुरु जी के दर्शन से ही मात्र पाप का वहाँ नष्ट हो जाता है, और पुण्य की जो पुण्य के तोते है शरीर उनमें अनंत होने लग जाता, आनंद होता है। इन्हें मानव कल्याण सेवा करने के लिए, एक सनातन धर्म का पालन करने के लिए, एक साधु संतों ऋषि मुनियों को यहाँ सत ऋषियों ने तपस्या करते हैं। वो सत ऋषियों में श्री बाबा ललित ने एक एक जो है महापुरुष हैं, जो कितना भी एक हजार भी व्यक्ति आ जाए, 500 भी आ जाए, यहाँ जो है सब व्यक्तियों को अन्न जल हर आने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। बाबा ललित ने किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। बाबा बर्फानी जी यहीं रहते हैं 12 महीने, 12 मास रहते हैं। उन्हीं की तपस्या है जो आज हम लोग सेवा कर रहे हैं, और जो भोजन प्रसाद भक्त संत साधु संत लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये सब गुरु महाराज की ही तपस्या का फल है। क्योंकि कहते हैं कि संत जो होते हैं वो जब भी तपस्या करते हैं तो अपने हित के लिए नहीं करते, वो संसार हित के लिए, धर्म हित के लिए, धर्म कार्य के लिए, धर्म प्रतीक के लिए, तो उसे लाखों लोगों का उद्धार होता है। अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं, केदार बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, अगर आपका बजट कम है, एक रात यहाँ पे रुकना है, या इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके होटल्स बुक नहीं होते, तो आप जो है बाबा बर्फानी के आश्रम में फ्री में रुक सकते हैं, फ्री में अपना भोजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों पहले आपको जो है बाबा बर्फानी का आश्रम दिखा देते हैं। बाबा बर्फानी का आश्रम पूरा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे बाबा बर्फानी भंडार, और ये भी आश्रम बन रहा है, ये भी बाबा का ही आश्रम है, ये भी बाबा का ही आश्रम है। ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं ये बाबा का आश्रम है, और यहाँ पे डेली के लगभग 300 से 500 यात्री यहाँ पे आते हैं, अपना आराम करते हैं, सोते हैं, यहाँ पे फ्री में भोजन करते हैं। ये सब चीज़ें व्यवस्था आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगी। ये है मेन बाबा का आश्रम जहाँ पे मंदिर है, अंदर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। और मैं बता दूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्री में आपको जो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में है, पोहा है, साथ में दाल है, और साथ में चाय भी है। ये ब्रेकफास्ट भी जो है आप अपना सुबह का जो है बाल भोग बोलते हैं इसको, अगर हम आश्रम की भाषा में बात करें तो इसको बोलते हैं बाल भोग, जिसमें आपको सुबह मिलेगा चाय मिलेगी गर्मा गर्म, इतना बड़ा ग्लास जिसमें आप 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। साथ में आपको मिलेगा कभी पोहा मिलता है, कभी चने मिलते हैं, कभी उपमा मिलता है। तो मैं खुद जो है यहाँ पे 4 से 5 दिन हो गए मुझे यहाँ पे रुके हुए, मैं भी यहाँ पे 4 से 5 दिन रुका हुआ हूँ। यहाँ पे फ्री में मैं स्टे कर रहा हूँ, फ्री में मैं भोजन कर रहा हूँ, सुबह का भोजन अलग कर रहा हूँ, रात्रि का भोजन अलग कर रहा हूँ, दिन भर आपको यहाँ पे चाय की सेवा मिलती है। आइए आपको जो है सबसे पहले बाबा के आश्रम में लेके जाए। ये है बाबा का आश्रम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जितने भी आप ये बेड देख रहे हैं यहाँ पे जो है साधु संत सोते हैं, और अगर कभी कभी जो है यहाँ पे यात्री बढ़ जाते हैं तो साधु संत
यहाँ पे अपना जो है अपना स्थान जो है यात्री को दे देते हैं और यात्री आराम से अपनी नींद पूरी कर सकता है। मंदिर है यहाँ पे 24 घंटे पाठ चलते रहते हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे भजन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है और यहाँ पे शाम के टाइम पे भजन भी होते हैं। अगर आपको भजन में बैठना और कीर्तन करने का बहुत मन करता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इतना प्यारा लगता है ना, इतना सुकून लगता है। अगर आप हिमालय में बैठ के भजन करेंगे तो आप सोच सकते हैं क्या ही मज़ा आता है। ने जो है किचन है वहाँ पे शूट करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे आपको यहाँ पे भोजन मिलता है। यहाँ पे जो है सारे यात्री बैठते हैं, सारे साधु संत बैठते हैं और अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन इतना ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको ऐसा भोजन होटल में भी नहीं मिलेगा केदारनाथ धाम के पास। और होटल की बात करें तो प्राइस थाली के लगभग 350-350 होती है। उसमें भी जो है आपको पूरा प्राप्त भोजन नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी टेस्टी थाली मिलती है। मैं बता दूं आपको, जैसे चावल होते हैं, रोटियां होती है, दाल होती है, कभी चने की सब्जी होती है, साथ में अचार होता है। इससे ज़्यादा गाइस और क्या चाहिए दोस्तों। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर नहाने की व्यवस्था भी मिलेगी, वो भी गर्म पानी के साथ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है ये गर्म पानी की मशीन है, यहाँ पे आप गर्मा गर्म पानी पी सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हिमालय का पानी आता है, मंदाकिनी रिवर का पूरा डोर ठंडा पानी रहता है, तो यहाँ पे गर्म पानी की मशीन लगी हुई है, तो आप ग्लास ले सकते हैं और गर्म पानी पी सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आपको नहाना है, वैसे तो नहाना चाहिए, मैं भी नहाया हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है वॉशरूम्स भी है। और साथ में जो है नहाने के लिए जो है गर्म पानी की पूरी व्यवस्था है। इस पूरी टंकी में जो है गर्म पानी है और हमेशा गर्म रहता है क्योंकि इसमें रॉड लगा रखी है एक बड़ी सारी, और यहाँ पे जो आप नहा सकते हैं। और अगर आप लेडीज़ है तो आपके लिए जो है यहाँ पे अंदर जो है व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे जो है ये वॉशरूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वॉशरूम यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। मतलब गाइस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर आप फ्री में रुक रहे हैं, आपको गर्म पानी की व्यवस्था मिल रही है नहाने धोने के लिए, इवन होटल्स में भी जो है नहीं मिलती, होटल्स में भी जो है आपसे अच्छा खासा जो है अमाउंट चार्ज करते हैं गर्म पानी करने के लिए। सिर्फ नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए भी जो है चार्ज करते हैं वहाँ पर। इतना ही नहीं गाइस, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जो है तन मन धन इन तीनों तरीके से जिससे आप चाहे सेवा दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेवा देंगे तभी जो है नहीं यार, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक चीज़ जो है मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपको यहाँ पे जो है तन मन या धन से आप यहाँ पे अपना सेवा करा सकते हैं। जैसे हमने जो है सफाई कराई, हमने जो है पूरा एक दूसरे यात्रियों के लिए सोने के लिए जो है पूरा एक निवास स्थान बनाया, वापस से बर्फ़ हटाई, मलबा हटाया, जो भी यहाँ पे टूट टूट के ऊपर पहाड़ों पे से स्नो आती है उसको हमने पूरा हटाया। मन से आप कुछ भी, कुछ वस्तु देना चाह सकते हैं, चाहे आप कुछ खाने का आइटम दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके कैपेबल हो, जिस चीज़ के लिए भी आप कैपेबल हो। धन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप जितना देना चाहे आप उतना दे सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप नहीं भी देना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ताकि गाइस आपको बता दूँ, मैं ये जो है ये पूरा जो बना हुआ देख रहे हो ना आप अंदर से, ये दूसरे यात्रियों के लिए बना रहे, जिससे अच्छे से जितने भी यात्री आए कोई परेशान नहीं हुए, अंदर स्टे कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है यात्री आना बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमने भी है सेवा दी है। हमने जो है लगभग 50 मीटर की दूरी से जो है मलबा उठा के लेके आए, हम सब, हमारा पूरा ग्रुप था 8-10 जनों का, हमने भी पूरी अच्छे से सेवा की, मलबा उठा के लाए, यहाँ पे अंदर रखा। और जितने भी यहाँ पे कारीगर है सब सेवा कर रहे हैं, सब निस्वार्थ मन से जो है सेवा करते हैं। कोई भी ये नहीं देखता कि मेरा क्या मतलब निकल रहा है इससे, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, सब जो है अपने निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। जय श्री राम। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे रुका था और कैसी वहाँ पे व्यवस्था है, क्या वहाँ पे सर्दी लगती है या नहीं लगती। जी आप कितने दिन रुके बाबा के आश्रम में? जी मुझे 4 दिन हो गए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बिल्कुल ही पूरी सुविधा है, खाने पीने रहने और सोने की कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ी बहुत सेवा करनी पड़ती है वो घर पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, सेवा तो देनी पड़ती है। आप बताइए। मैं तो बाबा जी के आश्रम में कम से कम 10-12 दिन हो गया हूँ, और वैसे इधर काम करना बहुत बढ़िया लगता है, और इधर सेवा के भाव से काम कर सकते हैं, जो बोले वो काम कर सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कि पूरा 12 घंटा काम कर सकते हैं। कोई भी इधर आए तो सेवा में लगो, 2-3 घंटे काम करो, भजन भक्ति करो, और आराम से इधर खाने पीने की सारी व्यवस्था है। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ कि आपको कि मैं जो है कहाँ पर रुका था। ये है एक टीन शेड सा बना हुआ एक कमरा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, और अंदर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे जो है बेड लगे हुए हैं, और साथ में आपको ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको सर्दी लगेगी कि यहाँ पे आपको ब्लैंकेट नहीं मिलेगा,
एक्चुअली में यहाँ पे जो है आपको होटल से भी ज़्यादा अच्छा ब्लैंकेट मिलेगा। ये देख सकते हो आप, ये ब्लैंकेट है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे स्लीपिंग बैग्स है। यहाँ पे इतने सारे लोग हम जो है स्टे कर रहे थे इतने दिन से, मेरे को खुद को लगभग 3-4 दिन हो गए यहाँ पे, इतने सारे लोग एक साथ सो लेते हैं। और ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर यात्री बढ़ जाते हैं तो बाबा जी जो है, बाबा जी का ऐसा चमत्कार है, बाबा जी कहीं ना कहीं से जो व्यवस्था कर देते हैं। कभी कभी जो है साधु जी जो है, संत जो है यहाँ पे, वो खुद का स्थान भी दे देते हैं यात्री को। चलो जी दोस्तों, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे सेवा नहीं करी, हम मैंने भी जो है लगातार 3 दिन यहाँ पे सेवा करी है। अभी भी देख सकते हो आप, हम सेवा ही कर रहे हैं। ये सिड्डे यहाँ पे उठा के लेके जा रहे हैं और साथ में मैं शूट भी कर रहा हूँ। और ये मैं कोई सिंपथी के लिए शूट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए शूट कर रहा हूँ। ऊपर चलिए भाई, एक सेकेंड आ जाओ भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो बाबा बर्फानी के आश्रम का। अगर आपका कुछ भी डाउट हो आश्रम से रिलेटेड कि यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे स्टे कर सकते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पे ही मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते कोई नई वीडियो सीधे केदारनाथ धाम से। हर हर महादेव, हर हर।